स्वागत है व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में। व्यूअर्स, आज की वार्ता केंद्रित है 23 सितंबर 2020 को इस वर्ष की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने जा रही है, राहु ग्रह स्थान परिवर्तन आने वाले 18 महीने के लिए करने जा रहा है। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह राहु 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ में ही राहु यात्रा करेगा। व्यूअर्स, राहु और केतु की चाल हमेशा उल्टी दिशा में होती है, जबकि सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हमेशा सीधी चाल ही चलता है। राहु का ये परिवर्तन इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है। ऐसे में इसका प्रत्येक राशि पर जोरदार असर पड़ने जा रहा है। इससे जहां कुछ को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं बहुत से लोगों के किस्मत भी खुलने जा रहे हैं। ये वही राहु था जिसने कोरोना वायरस की शुरुआत की। राहु स्वयं एक वायरस है और 18 महीने दिसंबर 26, 2019 में जो ग्रहण लगा उसके बाद से तो इसका असर बहुत तेज था, और मिथुन राशि में इसने पूरे विश्व को हिला दिया। उस दौरान गुरु और केतु चंडाल योग धनु राशि में बना रहे थे। जब जब विश्व के इतिहास में ऐसा ज्योतिषीय घटना, खगोलीय घटना हुई, तब तक इतिहास के पन्ने बदल गए। इस राहु ने पूरे विश्व का जो ऑर्डर है, इतिहास है, वो बदल डाला, रिश्तों को बदल डाला, बड़ा ही रहस्यमयी बना दिया। इसी राहु ने सेलिब्रिटी फिल्म्स वर्ल्ड के को भी इस संसार से साजिश के तहत अलविदा करने के लिए मजबूर किया। इसी राहु ने पूरे विश्व को युद्ध के कगार में लाने के लिए इसने मजबूर किया। राहु जहां साजिश का जननी जनक है, कुबुद्धि का जनक है, वहीं ये अचानक घटनाओं को भी जन्म देता है। इसका राशि परिवर्तन कोरोना का समाप्ति की ओर सूचना दे रहा है, यानी कि 23 सितंबर के बाद विश्व में कोरोना का इतिहास समाप्त होने जा रहा है। दवाइयां विकसित हो जाएगी और वायरस नाम की कोई चीज आने वाले 18 महीने में 23 सितंबर सुबह 9 बजे के बाद नहीं रहेगी। इस राहु ने कई ऐसी घटनाएं की जो हम सब, आप सब अचंभे जरूर हुए होंगे। आइए जानते हैं राहु का राशि परिवर्तन हम तमाम लोगों के लिए हमारी राशि के अनुसार किस प्रकार जा सकता है। व्यूअर्स, मैं बताना चाहूँगा राहु का परिचय। राहु एक अशुभ मगर अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। यहाँ तक कि यह देव सेनापति मंगल के साथ बैठने पर उसका प्रभाव तक शून्य कर देता है। ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पाप ग्रह माना गया है, वहीं वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना जाता है। वो एक्टर जो साजिश का शिकार हुआ या जो भी घटना उसके साथ हुई, आप में से बहुत से लोगों ने लिखा है कि ऐसे क्या कुंडली में क्या राहु का कोई योग था। बिल्कुल, उसका राहु
की पोजीशन बहुत ख़राब थी, मंगल केतु के साथ सप्तम भाव में था, और ऐसे व्यक्ति को किसी का भी हो अपने जीवन में रिलेशनशिप बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना अपने अपने ही डेंजर पैदा कर देते हैं। अचानक राहु का स्वभाव ही अचानक, कोई कॉन्स्पिरेसी अचानक, जब आप सोच भी नहीं सकते दूसरा व्यक्ति आपको स्ट्राइक कर जाएगा। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की जन्मपत्रिका में राहु अशुभ स्थान पर बैठा है अर्थात पीड़ित हो, तो यह जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपने पूजा पाठ दान पुण्य उपाय और सावधान नहीं रहे तो आपको वो बहुत ही तकलीफ देगा। अगर दान पुण्य राहु से संबंधित करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हर लोगों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, पुण्य के रास्ते धर्म के रास्ते में चलते हैं, तो ये आपको कुछ हद तक राहत देता है। ज्योतिष में व्यूअर्स, राहु ग्रह किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच भाव में होता है। व्यूअर्स, राहु के स्वभाव के कारण उसको पापी ग्रह कहा जाता है। आमतौर पर कुंडली में राहु का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, परंतु राहु कुंडली में शुभ होने पर राजा बिलियनियर बना देता है। इसके शुभ फल से व्यक्ति धनवान, ऐश्वर्यवान, काफ़ी बड़े साम्राज्य का मालिक, राजयोग का सुख दिलवाता है। आइए जानते हैं राहु के वृषभ राशि में गोचर का प्रभाव आपके राशि पर किस प्रकार जा सकता है। मेष राशि, राहु का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। इस समय आपको अपने खर्चे और वाणी पर काबू रखना होगा। यह आपको कुछ शुभ परिणाम भी देगा नौकरी में, बिजनेस में और शादी में। कई क्षेत्रों में आपको शानदार परिणाम मिलने की संभावना है जो पिछले 18 महीने में नहीं मिला। इसके प्रभाव से आपके साहस में वृद्धि होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरी में चेंज, परिवर्तन, उन्नति, बिजनेस में बड़ा लाभ, विदेश यात्रा और विवाह का होना, और अचानक घटनाएं होंगी जो आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करेगी। परेशानियों से इस दौरान बचने के लिए हनुमान अष्टक का नित्य 9 बार पाठ करें और कबूतरों को साथ अनाज मिलाकर खिलाएं, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। राहु मंत्र का जाप करने से भी लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, राहु का गोचर व्यूअर्स आपकी ही राशि में होगा। इस गोचर के दौरान आप किसी तरह की गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं और बिना बात का मानसिक तनाव भी बना रहेगा। गोचर के प्रभाव से आपका आर्थिक जीवन प्रभावित होने के साथ ही परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय हर बात सोच समझकर ही बोलें। देखिए, राहु आपके राशि के ऊपर से यात्रा करेगा, तो यानी कि आपके भाव से प्रथम भाव, यानी कि वो आपके माइंड को, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। ये जरूर है कि बीच में आपको वो बड़े पद में, बिजनेस गेन, नई नौकरी में, उच्च स्थान में ले जाएगा, लेकिन काफ़ी मानसिक तनाव और परिवर्तन और अचानक घटनाएं के द्वारा ले जाएगा। परेशानियों से बचने के लिए मेरा सुझाव है श्री अष्टलक्ष्मी जी का नित्य पाठ करें, विशेष कृपा राहु की प्राप्त होगी। मिथुन राशि, ये गोचर विदेश यात्रा के लिए शुभ रहेगा, तैयार हो जाइए। या विदेशों से बहुत धन लाभ, आर्थिक लाभ, फ्रेंडशिप, मैरिज, बिजनेस गेन्स होने जा रहा है। 18 महीने अभी तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है, बड़ी शुभ है विदेश यात्रा, परंतु अत्यधिक खर्चों के लिए बेहतर नहीं रहेगा। इसके कारण आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, साथ ही आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना होगा। विदेशों से धन का लाभ, विवाह के योग, स्थान परिवर्तन विशेष रूप से आपको देखने को मिलने जा रहा है। कोई दूसरे जाति का या धर्म का
या दूर प्रांत से कोई व्यक्ति आपके घर में आएगा, हो सकता है वो आपको नौकरी दे या विवाह का पार्टनर हो या बिजनेस के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे जाए या विदेशों से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए इस दौरान। यहाँ याद रखिएगा, राहु आपके 12वें भाव जो विदेश यात्रा का है, विदेशियों से दूसरी जाति संपर्क उस भाव में यात्रा करेगा, तो हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन विदेशी संपर्क होने जा रहा है, दूसरी जाति, दूसरा धर्म या विदेश से लाभ या विदेशों में शादी या विदेशी कॉल या विदेशी जॉब ऑनलाइन होने जा रहा है, और बड़ा चेंज आएगा 18 महीने में जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। परेशानी से बचने के लिए मेरा सुझाव है श्री महाविष्णु स्तोत्रम जी का नित्य पाठ करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं कर्क राशि। व्यूअर्स, राहु का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा, ये समय आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा। आपके धन से जुड़े सपने पूर्ण होने के साथ ही आपकी समाज में नई पहचान प्रतिष्ठा बनेगी। बिजनेस को लेकर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसमें अपनी ईमानदारी से ही कार्य करना है। इस समय रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन आपको हर काम में सावधानी रखनी होगी, मेरा यही सुझाव है। परेशानियों से बचने के लिए व्यूअर्स, श्री कुबेर मंत्र जी का नित्य पाठ करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, आपकी राशि से दसम भाव 10th हाउस में राहु गोचर करेगा, इस समय में आप कार्य को लेकर कुछ भ्रम की अवस्था में आ सकते हैं, लेकिन राहु का ये गोचर आपकी आमदनी में इजाफा कर सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा धन लाभ करवा सकता है। राहु के शुभ प्रभाव से आपको अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि अचीवमेंट मिलने की संभावना है, प्रमोशन, बिजनेस गेन, फॉरेन जर्नी और शादी होने के भी चांसेस हैं। लव मैरिज के भी चांसेस इस दौरान ऑफिस के किसी व्यक्ति से परिचित से होने के पूर्ण आसार नजर आते हैं। परेशानियों से बचने के लिए मैं सुझाव दूंगा श्री महालक्ष्मी जी की आरती नित्य करें, उसका पाठ करें, फिर देखिए क्या जिंदगी में कैसा परिवर्तन आता है। कन्या राशि, इस गोचर में राहु आपसे नवम भाव में रहेंगे, इसके चलते आपके आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी और व्यूअर्स, धार्मिक यात्राओं का भी संयोग बनेगा। पिता के साथ किसी प्रकार के मतभेद से बचें और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में बनते काम बिगड़ सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, आपको कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी से बचने के लिए श्री विष्णु जी की आरती नित्य करें, विशेष लाभ मिलेगा। तुला राशि, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें, आपके नैतिक मूल्यों का पतन हो सकता है, गोचर होने से अचानक किसी शोध में रुचि होगी, विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, आपको भाग्य की बजाय अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। इस दौरान आपके नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस के अंदर बड़ा लाभ या अचानक नौकरी मिलना या अचानक की सरकारी नौकरी मिलना के पूर्ण संभावनाएं 18 महीने में है। परेशानी से बचने के लिए श्री गणपति जी की आरती रोज करें। वृश्चिक राशि, व्यूअर्स, राहु का गोचर सप्तम भाव 7th हाउस में होने से इस समय से आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहेंगे, किसी प्रकार की गलतफहमी की वजह से आपसी दूरी हो सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, यानी कि आपके 7th हाउस, हाउस ऑफ मैरिज पार्टनरशिप से राहु गोचर करेगा, तो इसलिए थोड़ा सावधान, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए, राहु विशेष नुकसान नहीं कर पाएगा। ये गोचर का फल है, यदि कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, महादशा अच्छी चल रही है, तो राहु के जो गोचर का कुप्रभाव है वो 50% कम हो जाएगा। परेशानी से बचने के लिए श्री महादेव जी की आरती रोज करें, लाभ मिलेगा। धनुराशि, इस समय राहु का गोचर धनु राशि से 6th भाव में वृषभ राशि में होगा, इस भाव में राहु बहुत शुभ फल देता है और शत्रुओं पर विजय देता है, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो वो राहु आपको जीत दिलवाएगा, स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। परेशानी से बचने के लिए आप श्री गुरु गायत्री मंत्र का 108 बार ध्यान पाठ करें। मकर राशि, इस समय राहु का गोचर पंचम भाव में होने से सोच में भ्रम सा महसूस करेंगे और निर्णय लेने में खुद को
कमज़ोर महसूस करेंगे। संतान के साथ किसी गलतफहमी की वजह से तनाव हो सकता है, दिमाग में कई तरह के विचार आएंगे, लेकिन फैसला सोच समझकर व किसी जानकार की सलाह पर ही ले। परेशानी से बचने के लिए मेरा सुझाव, श्री शनि गायत्री मंत्र का 108 बार ध्यान या पाठ करें। कुंभ राशि, सुख में कमी के साथ ही पारिवारिक जीवन में थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है, वहीं आपको अति व्यस्तता के चलते परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसे में अपने परिवार को अपना पूरा समय दें, जिससे आपके बीच में प्रेम बना रहे। अपनी माँ के सेहत का खास ध्यान रखें। नौकरी में विशेष उन्नति के योग हैं, बिजनेस के अंदर भी काफ़ी लाभ प्राप्त करने के योग हैं, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। परेशानी से बचने के लिए श्री रुद्र मंत्र का 108 बार ध्यान और पाठ करें। मीन राशि, राहु का ये गोचर आपकी सभी परेशानियों को दूर करेंगे और उत्साह व आत्मबल बढ़ाएगा। यह समय नया काम करने के लिए भी उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा, भाई बहनों से लगातार संपर्क में रहें और किसी भी तरीके से टकराव या बहस से दूर रहें। मोटे तौर पर विशेष लाभ धन लाभ होगा और विवाह का योग है और नौकरी में परिवर्तन उच्च पद की प्राप्ति का योग है। परेशानी से बचने के लिए व्यूअर्स श्री गायत्री मंत्र का 108 बार जाप और ध्यान करें। ये था व्यूअर्स राहु का 18 महीने के लिए 23 सितंबर 2020 से राशि परिवर्तन। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो ये आपको राजा बना देगा। यदि ग्रहों की पोजीशन ठीक नहीं है, राहु कमज़ोर है, तो उपाय ले लीजिएगा, पूजा पाठ जेमस्टोन पहनिएगा तो आपको लाभ ज़्यादा देगा, नुकसान के प्रभाव कम रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सुनते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ, धन्यवाद। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग
क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग।